वहां करते हैं और ऐसे ही आप लोग सहयोग एवं आशीर्वाद करते रहे। लॉकडाउन के दौरान देवघर में कई लंगर चलाए जा रहे हैं, लेकिन इन सबसे अलग युवा समाज सेवी और निगम के उप महापौर प्रत्याशी सूरज झा और आदर्श मानव निर्माण संस्थान के द्वारा जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, यह लंगर बीते 7 दिनों से चलाया जा रहा है, जिसमें सप्ताह के 2 दिन पुलाव और बाकी दिनों में पूरी सब्जी के साथ सलाद दिया जा रहा है। भोजन की चाह किसे नहीं रहती है, इसीलिए इस लंगर में दिन ब दिन लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। आयोजक बताते हैं कि दिनों दिन भीड़ की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। अभी तो हमारे वॉलंटियर संभाल रहे हैं, लेकिन भीड़ को देखते हुए आने वाले दिनों में प्रशासन का भी मदद लिया जाएगा ताकि लंगर को सुचारू रूप से चलाया जा सके। देवघर से गुड्डू झा की रिपोर्ट। हम लोग आदर्श मानव निर्माण संस्था के बैनर तले 29 मार्च से लगातार 15 अप्रैल तक सेवा जारी रहेगा और हमारा टाइम है 9 से 12 बजे दिन तक। इस सेवा शिविर में सप्ताह में 2 बार हम लोग शाही पुलाव दे रहे हैं और बाकी दिन 6 पूड़ी सूखा सब्जी और सलाद का वितरण कर रहे हैं। देखिए, दिन ब दिन जो खाना का क्वालिटी देख रहा है, साफ सुथरा देख रहा है, अधिक प्रचार प्रसार हो रहा है, इससे तो भीड़ बढ़ ही रहा है। तो हमारे जो युवा कार्यकर्ता है पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं और हम लोग 1-2 दिन में प्रशासन का भी मदद लेना चाहेंगे जो आके वो भीड़ को कंट्रोल करे और इसको सुचारू रूप से चलवाए।